आज हम लोग दुल्हन गंगा पार के मुहूर्त कर रहे हैं, जिसका शूटिंग परसों से स्टार्ट है। तो आज भव्य तरीके से मुहूर्त हुआ, क्योंकि कल से पितरपक्ष चढ़ रहा है। पितरपक्ष में नया काम नहीं होता है बाबू, तो इसलिए हम लोग अपनी फिल्म की शुरुआत पितरपक्ष से पहले शुरू कर देते हैं, ताकि हर चीज़ शुभ हो और हमारी पब्लिक हमें प्यार करती है। हम कभी भी करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेगी, लेकिन हमारी जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है तो उससे हम दूर तो है नहीं। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को निभाते हुए आज तक आ गए, तो हम भी जब तक जिएंगे उस चीज़ को निभाएंगे। और हमारे बच्चे भी अब तो मॉडर्न हो रहे हैं, सब बच्चे अंदर से आते हैं तो मॉडर्न होते, इधर से जुट क्या है जी, क्यों हंस रही है? तो एक्चुअली जब लड़का बाहर निकलते ही मॉडर्न हो जाते हैं, तो देखिए आगे वो क्या करते हैं। लेकिन हम लोग जब तक जिस मिट्टी से आए हैं, क्योंकि हम लोग के बच्चे उस मिट्टी में नहीं हैं, और वो शहर की मिट्टी से में पैदा भी हुए और इस माहौल में पले हैं, तो पता नहीं वो कितने उसको अमन करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे जी, हमारी जो संस्कार है, हमारी जो प्रथा है, हमारी जो नियम है, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को माना है, जिस चीज़ को निभाया है, उस चीज़ को हम अपने बच्चों में भी उस संस्कार को डालें। और कोशिश हमारी यही रहेगी, और हम जब तक जिएंगे तब तक अपने बुज़ुर्गों का संस्कार और उनके प्रथा को लेकर चलते रहेंगे। मैम आप बताएं, हम शूट करने जा रहे हैं दुल्हन गंगा पार के, सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हम 17 से इसकी शूट स्टार्ट कर रहे हैं। और बस आप सब ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, सारी फिल्मों में हमें बहुत सारा प्यार दिया है, तो इस फिल्म के लिए भी हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और हम आपके लिए कुछ अलग से कुछ लेके आ रहे हैं। सो विश मी दुल्हन गंगा पार के आपके ऊपर लग रहा है कि पूरी फिल्म जा रही है, ऐसा क्या है? हम कहाँ पर जा रही है? नहीं, एक्चुअली देखिए वो टाइटल ऐसा है कि दुल्हन गंगा पार के, इनका इंट्रोडक्शन ही गंगा से है। ये उसमें एक लाश की तरह आती हैं बहते हुए, और उसमें मेरी अपनी बेटी, खुद की बेटी, मेरी मेहरारू की बेटी, हमारी बेटी, जो रियल बेटी, खेसारी की बेटी, मेरी दोस्त, मेरी बेटी खेसारी की बेटी, मैंने मेरी दोस्त, आपकी दोस्त, yes. okay, हमको पता नहीं था। तो हमारी बेटी उसमें काम कर रही है, जो मेरी बेटी इनको बचाती है, एक नन्ही सी जान जो छः साल की है, वो इनको बचाती है और घर ले आती है। और बहुत इतना कमाल की स्टोरी है, क्योंकि पूरी कहानी मेरी बेटी के ऊपर है, और हम दोनों एक त्याग करते हैं कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी रहती है, लेकिन वो मुझे पापा बोलती है और इनको मम्मी बोलती है। और हम जब शादी करते हैं तो उस समय ये मुझसे बोलती हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं बोलता है बोलो, ये यही बोलती है कि मैं जीवन में इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। हर उस औरत का एक सपना होता है माँ बनना, लेकिन मैं उस माँ बनने के सपने इस बेटी में देखना चाहती हूँ। हमसे वादा करिए कि कभी आप बच्चे के लिए हमसे लड़ेंगे नहीं, तब हम लोग शायद इस शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि जो जीवन साथी की तलाश मुझे थी वो तुम ही हो सकती हो, क्योंकि उस बच्ची से इतना प्यार होता है। उस बच्ची को एक ऐसा रोग होता है जिस रोग से वो बहुत परेशान है, और एक अनाथ बच्ची के लिए इन्होंने बोला कि मैं अपने कोख को कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन मैं इसका ऑप्शन कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसी के साथ अपने जीवन को हम दोनों मियाँ बीवी लेकर चलें, और इसको कभी महसूस ना हो कि दूसरी है। हम जिस तरह एक हैं उसी तरह हमारे एक बन के ही रहें। तो ऐसी स्टोरी बहुत कम मिलती है, और मनोज कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा से लिखा है इस फिल्म में कहानी को। खेसारी जी और इस फिल्म में कौन कौन है? इस फिल्म में अवधेश मिश्रा कुत्ता काम कर रहे हैं, कुत्ता का बहुत नोचते हैं, देख जैसे ये है ना, तो इनको प्यार करते हैं। अच्छा। तो आप किसको प्यार कर रहे हैं? तो ये तो बाद में भेंट आती है ना मेरे को, तो ये प्यार करते हैं ना उनको, इनको तो प्यार की वजह से ही मेरे से ब्याह हो जाता है इनका। अच्छा। तो ब्याह होता है तो रुको ना, बोले बहुत अच्छी स्टोरी है। जब हम आएंगे और हम शूट कर लेते हैं इस चीज़ को, मूवी को, एंड देन जब रिलीज़ होगी तब आप सबको देखने मिलेगी ये फिल्म। अभी हम पूरी स्टोरी नहीं बता सकते आपको। पूछ लो नाम कौन ची, आर्यन है, आर्यन नहीं, सादा पंचम है, सादा पंचम है, आर्यन नहीं है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, और ऑडियो इसका
मेरे अभी तक का जो ऑडियो बना है सब मेरे ऑडियो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ नया किया है और मधुकर भैया का आउटपुट इतना ख़तरनाक इसमें पड़ा है कि मैं इनका दीवाना हो गया, मैं इनका फ़ैन हो गया, क्योंकि मधुकर भैया ने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए और इतना अच्छे ऑडियो बनाए कि कोई ऐसा गाना हम लोग को सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस गाने को कहाँ रखें। तो ये पूरी टीम इतनी अच्छी तरीके से इस फिल्म को सजाया है कि हर आदमी अपने जिसको जो काम दिया गया है अपने काम में एकदम मैंने मस्ती से और इतने लगन के साथ किया है कि शायद उसकी तारीफ अगर आदमी करे तो नहीं है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इतना अच्छा कर दिया है कि अच्छाई का तारीफ शायद हम अच्छा बोल सकते हैं, जैसे कि मीठा का और दर्द का हम बयां कर सकते हैं लेकिन कितना है इसका अंदाज़ा नहीं है। तो उसी तरह अच्छाई होती है, कितना अच्छे हैं आप शायद ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। वैसा ही हर आदमी अपने काम में जिसको जो दिया गया है इतना अच्छा किया है कि शायद उसकी तारीफ हम जितना करें कम है। तो मधुकर जी को मेरे तरफ से दिल से थैंक यू कि भैया ने मेरे लिए इतना अच्छा म्यूजिक बनाया, और असलम जी इसको डायरेक्ट करेंगे और असलम जी कमाल के डायरेक्टर हैं, इमोशनल के मास्टर आदमी हैं। इसका निर्माण कौन कर रहे हैं? निर्माण हमारे अरविंद जी हैं, जो हमारे गाँव के निर्माण मतलब क्या होता है, निर्माता ना, तो निर्माण निर्माण में पूछोगे तो हमको क्या पता है, कम पढ़े लिखे भाई हैं हम, निर्माण नहीं समझ में आता है, निर्माता पूछ लो। तो निर्माता इसके अरविंद जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूं, मज़ा आता है उनके साथ हम जब भी बैठते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, काम की बातें ज़्यादा होती है, टाइम पास वाला काम नहीं होता है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं उनके साथ रहते हैं, तो क्योंकि बहुत फनी आदमी है, वो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा से सोचते हैं। शूटिंग कहाँ कर रहे हैं सर? इसका शूटिंग हम बड़ोदरा में कर रहे हैं, ये हलोल भी कुछ लोकेशन है इसका। बड़ोदरा के कुछ लोगों को काम मिलेगा? हाँ, खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ पर जो होंगी उनको काम मिलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें तीन चार लड़कियाँ जो हैं जिन पर मैं लाइन मारता हूँ, कैरेक्टर लिस्ट हूँ थोड़ा सा, लेस मैंने जूता वाला लेस नहीं, उल्लासा वासा वाला नहीं हूँ मैं, कैरेक्टर लेस लेस जो भी होता है वो समझ गए होंगे हमारे भाई लोग। अच्छा, कितने गाने हैं, एक गाना कुछ बता दीजिए। इसमें का एक कमाल गाना है अभी जो शूट होने वाला है कि आई से ना पहना जामा कौआ जवानी लेके उड़ जाही कौआ, मैंने इस गाने को तो मैं पगला गया हूँ, और धुकुर धुकुर एक गाना है इसमें, दिल मेरा धुकुर धुकुर करता है इनको देखता हूँ तो हम दोनों धुक धुक कर रहे हैं ना, धुकुर धुकुर। तो इसके हर वो गाने में आप देखेंगे तो अश्लीलता कहीं से नहीं, और म्यूजिक वाइज जो चीज़ें हुई है कमाल हुआ है, और मैं बहुत अपने म्यूजिक से खुश हूँ, और कहीं ना कहीं एक लगाव जो है मेरी पब्लिक से, मेरे ऑडियंस से, देवता रूपी श्रोता जो भी मेरे माता बहन बेटी जो भी भोजपुरी समझने वाले बोलने वाले लोग हैं, तो मैं उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और जहां तक सवाल है तो लड़कियों की दिल की बात खेसारी लाल नहीं जान पाता। काजल जी की भावनाओं को समझे? लड़कियों की बात बोला, मैं औरतों की भावना जानता हूँ, औरतें जो शादीशुदा है ना उनकी दिल की दर्द में जान पाता हूँ, जो कुंवारी है उनका नहीं जान पाता हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, जैसा कि मैं काजल जी को नहीं जान पाता हूँ। हम लोग काम अच्छे से दोस्त की तरह करते ज़रूर हैं, इनके दिल में क्या है मैं नहीं जान पाता हूँ। कोई शादीशुदा औरत मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं उसकी दिल की बातें पढ़ लूँगा। कैसे कैसे? पेट में लड़का रहता हूँ बता देता हूँ मैं, सबको पता चलता है। नहीं, लेकिन क्या होने वाला है वो पता है हमको, क्योंकि मैं पब्लिक से जुड़ा रहता हूँ ना, शादीशुदा औरतों का दर्द मैं समझता हूँ। अभी कंपटीशन बहुत तेज हो गया हीरोइनों का, अभी आपने क्या नया तैयारी किया इस फिल्म के शूट के लिए? कंपटीशन के ऊपर तो मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, और बस यही मानना है कि जो भी प्रोजेक्ट करने जाओ, जो भी फिल्म्स करो, सो 100% दूँ अपना उसमें। एंड मैं कभी स्टार्टिंग से लेके आज तक ना आगे सोचूंगी भी कि मैं किसी से कंपटीशन करती नहीं हूँ, मुझे पता है मैं कहाँ तक क्या कर सकती हूँ एंड क्या करूँगी, मैं उतना करती हूँ, लोग पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, उनका प्यार है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह मुझे प्यार करिए हमेशा। इस फिल्म के डायरेक्टर असलम जी के बारे में दो लाइन कुछ कहना चाहेंगे? असलम जी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम शूट करने जाती हूँ, लेकिन उनकी काफ़ी फिल्म्स बहुत हिट रही हैं, बहुत अच्छी रही है, सो मैं भी
चाहूँगी कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो इस फिल्म में एंड आगे भी हम बहुत सारी फिल्में करें साथ में। खेसारी साथ अभी कितने नंबर प्रोजेक्ट हो रहा है? खेसारी जी के साथ से आई थिंक मेरी फिफ्थ या सिक्स पाँचवीं या छठी मूवी है। हाँ पाँचवीं या छठी मूवी है और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे एंड बहुत काम करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है एंड बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। बहुत चुलबुले से है, लड़की चुलबुली होती है, लड़की चुलबुली होती है, एक जगह पे खड़ी नहीं रहती, तो ये भी चुलबुले से है, हम भी हिलते रहते हैं। अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। जो भी दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हम लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे? ये मैं कहूंगा। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़ी चीज कि हम एक दूसरे को समझ के अगर काम करें तो किसी के साथ आपको पसंद दुनिया करेगी। और मेरे साथ ही नहीं, इनके अदर भी एक्टरों के साथ इनकी फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई है। आप दोनों को जब टीवी पे ऑनलाइन जब न्यूज़ चलता है तो सबसे ज़्यादा लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम दोनों के कैसे स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली हमारी, इसलिए हम बहुत चुलबुले से हैं और हमेशा। कौन राशि है आपका? राशि कुंभ है ना, मिथुन है। हमारा मिथुन नहीं, हमारा चक्रवर्ती है। खेसारी को, खेसारी को के आता है और काजल को भी के आता है, सब के ही समझोगे। इनका मिथुन है, हमारा चक्रवर्ती है। तो आप शत्रुघ्न है ना? हाँ यही तो फिर शत्रुघ्न लिखिए ना। खेसारी, खेसारी के बात करिए ना। दोनों की कुंडली जो है ना कहीं मिलती है और हमारी आत्मा मिलती है इनसे। सिर्फ हम लोग का ब्लड नहीं मिलता है, ये गुजरात से है और मैं बिहार से हूँ, तो पानी जो है इंसान है, काहे खिसी आ रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक काजल जी का सवाल है, तो काजल जी कंपटीशन, मैं इनसे कितने बार बोला कि सच में आज बहुत कंपटीशन है, तो इन्होंने, इनकी जो बातें मुझे आज अच्छी लगी जिन्होंने बोला कि मैं कंपटीशन में कहीं से हूँ ही नहीं। कंपटीशन उससे होता है जो स्ट्रगल करता है, लेकिन आज हर आदमी ने मुझे प्यार किया है, उस लायक बनाया है कि मैं कंपटीशन में नहीं, मैं अकेला दौड़ती हूँ। और हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए कि उसको अकेला ही दौड़ना चाहिए। वो आगे पीछे देखकर दौड़ेगा तो शायद अपने मंजिल को भूल जाएगा और अपने कर्तव्य को भूल जाएगा। और अच्छा लगा। और ये फिल्म हमारे अरविंद जी इसके निर्माता हैं, और अभी मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। ये हैं अरविंद जी, ये मेरे भाई हैं, मेरे गाँव से हैं, गाँव के बगल के हैं, 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर दूर हमारा स्टेशन, इनका स्टेशन एक ही जगह है। तो हम जब भी ट्रेन से पहले जाते थे, मालगाड़ी से नहीं ना, पहले हम लोग जाते थे ट्रेन से, लोकल ट्रेन में, तो हम इनके ही स्टेशन से उतर के अपने घर पे पैदल जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेन और इन कम चलती थी। छोटा स्टेशन है ना हमारा गांव। सर को पूछते हैं, सर आपको कैसा लग रहा है, आपकी फिल्म अभी शूट होने जा रही है? बहुत खुशी हो रही है कि दो भाई हम लोग एक ही जगह के हैं। इन्होंने अपने बदौलत अपनी जो पहचान बनाई है, और मैं जो सुना करता था, आज साथ में काम करने का जो मौका मिला है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा घर, मेरा भाई इतने बड़ा आज करोड़ों के ऊपर की बजट की फिल्में बना रहा है। तो ये चीज़ें शायद पर्दे पे आएगी तो हम दोनों की एक किस्मत जो लगी हुई है। और मैं आप सबसे मिलवाना चाहता हूँ, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं मधुकर भैया, तो आप लोग उनसे भी चलिए सबको बहुत बहुत प्रणाम, बड़ लोग के प्रणाम, छोट लोग के आशीर्वाद। काफ़ी साल बाद, मैंने हमारा लगा था कि 5-6 साल हमने के गैप हो गई, गैप 4 साल, हाँ 4 साल गैप हम लोगों का हुआ था। इसके बाद बड़ा बुलंदी से हम लोग आए हैं, और खेसारी जी के साथ मिल के ऐसा लग रहा है, इतना कंपोज में भी ये मदद करते हैं, जितने भी गाने हम लोग बना रहे हैं सब मिलजुल के ही बना रहे हैं। इतना अच्छा गाना क्यों बना रहे हैं आजकल? कोशिश करते हैं हर पिक्चर में, हम चाहेंगे कि बढ़िया गाना बने। अच्छा गाना नहीं चाहेंगे कि लीक हो जा रहा है आजकल गाना। नहीं नहीं उसका शूटिंग शुरू हो जाएगा, ऑडियो रिलीज होने वाला है। चलिए धन्यवाद आप सब मीडिया ग्रुप का। बहुत धन्यवाद। सवाल है जी, लास्ट अभी आपने कहा कि शहरों के जो बच्चे हैं खराब होते जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण लग रहा है कि आपको जो बच्चे खराब होते जा रहे हैं? देखिए आज बच्चे खराब नहीं हो रहे हैं, वो मॉडल के हिसाब से हम लोगों को जो संस्कार मिला था, हम मिट्टी जिस मिट्टी से आए हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ हमें काम के लिए प्रेशर दिया, लेकिन हम आज अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेशर, उनको टाइम नहीं मिलता है, और हम अपने बच्चों पे इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि शायद कोई भी गार्जियन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है। तो हम उसको टाइम देंगे, हमारे गार्जियन के पास टाइम था तो हमें वो सिखाते थे जी बेटा ये कल्चर है, वो कल्चर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज हमारे अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ बताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम
कहीं ना कहीं गार्जियन भी उस चीज़ का दोषी है जो हम अपने बच्चों को 8 बजे स्कूल जाते हैं, 12-2 बजे तक आते हैं, हम लोग अपने घर से 8 बजे निकल जाते हैं, हम रात में 2 बजे पहुंचते हैं, तब जब बच्चे सो जाते हैं तो हम अपनी संस्कार और अपनी प्रथा को बताने के लिए उनके हमारे पास वक्त नहीं है जो हम अपने बच्चों को सिखा सकें बता सकें, उसमें वो चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो उसमें दोष सिर्फ बच्चों का नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबका है जो हम अपने बच्चों को संस्कार भरने के लिए हमारे अंदर टाइम होना चाहिए। और ये एक दिन टाइम देकर नहीं होगा, उसको हर वो चीज़ सिखाना पड़ेगा जो बेटा हमारे माँ बाप ऐसे सिखाए हैं वैसे किए हैं, तो उसके लिए हमें वक्त देना पड़ेगा। तो ना ही आज बच्चों के पास वक्त है, क्योंकि उनके स्कूल के आने के बाद उनको इतना काम मिल जाता है जो बेचारे उसी में उलझे रहते हैं कि मुझे ये करना है, ये तैयारी करनी है। तो अपने माँ बाप के साथ बैठने के उनको वक्त नहीं है, इसलिए हो सकता है बच्चे कहीं ना कहीं उस संस्कार से मिस हो जाते हैं और अपने पढ़ाई के और अपने करियर के बारे में सोचकर उस चीज़ से लुप्त हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जब आए यहाँ पर तो शायद हमें वो संस्कार वहाँ इसलिए मिली क्योंकि हम गांव में रहे और हर वो बुज़ुर्ग संस्कार की बातें करता था। आज हर आदमी शहर में अपने काम की बातें करता है तो संस्कार की बातें ही नहीं होती है, इसलिए शायद आज के बच्चे उससे लुप्त हैं। और हमारे गांव की औरतें छाती के दूध पियाती थी, आजकल डब्बा पिला रही हैं तो डब्बा हो जाता रहा सा। तो इसलिए थोड़ा सा संस्कार जब माँ की छाती के दूध लोग पियेंगे तो कहीं ना कहीं माँ की आत्मा उसके अंदर जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो संस्कारिक होगा। बहुत ऐसी कम औरतें हैं जो अपनी छाती की दूध पिलाती हैं, पर्सनैलिटी की वजह से पर्सनैलिटी बिगड़ जाती है, उस यही प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं अपने बच्चों के, तो इसमें मैं बच्चों का बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। तो हम टाइम देंगे तो हमारे बच्चे संस्कारी। लास्ट टाइम आप रो पड़े थे तो पूरे दर्शक कई ट्विटर में या फेसबुक में लगातार आपके लिए रो रहे, वो चिंता थे, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोने का वो मेरा मुँह मिट्टी है और मेरी ज़मीन है। अपने जब तकलीफ में होते हैं तो आँखों से आंसू आ ही जाती है, और कहीं ना कहीं बिहार यूपी की पब्लिक हमारी अपनी है, वो हमारा घर है, हमारा परिवार है, हर वो बुज़ुर्ग, हर वो बहन, हर वो बेटी, हर वो मेरा भाई, हर वो चाचा चाची भाभी जो भी हैं सब मेरे अपने हैं। और उस मिट्टी से हैं तो उस मिट्टी की खुशबू जब तक मेरे अंदर रहेगी उनके लिए मेरा इमोशन हमेशा बरकरार रहेगा। अगर मैं उनके लिए कुछ करता हूँ तो मैं उसमें एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के पैसे से खेसारी लाल करोड़पति हो या अरबपति हो, तो अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा वक्त, अगर थोड़ा सा आंसू ही बहा दिया तो उन पर एहसान नहीं किया, वो मेरा इमोशन था, वहाँ मेरा कोई नाटकपन नहीं था और ना ही मैं नाटकपन करके किसी के दिल में जगह बना सकता हूँ। हकीकत जो चीज़ें होती है, मैं अपने, हो सकता है मेरे माँ बाप उस बाढ़ पीड़ित में हैं, मैं भी उस जगह पर आया हूँ, मैं जगह उस बाढ़ से आया हूँ, तो कहीं ना कहीं उस तकलीफ़ से गुजरा हूँ मैं, तो मुझे एहसास हुआ, इसलिए मेरे आँखों में आंसू आ गए कि मैं भी एक गरीब परिवार से था और आज मेरे पास जो भी पैसे हैं, जो भी रुतबा है, जो भी नाम है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगलो है, जो भी है, आज उनके चंदे के पैसे से है। तो मैं अगर उनके लिए कुछ करता हूँ तो मैं उन पर एहसान नहीं कर सकता, वो एहसान नहीं होगा, वो मेरा कर्तव्य है कि वो मेरे से हर उस चीज़ को अपेक्षा रखते हैं, अपने मनोरंजन का अपेक्षा रखते हैं, तो अपने तकलीफ़ में भी खेसारी को वो चाहेंगे जो खेसारी मेरे तकलीफ़ में भी खड़ा हो। तो आज उनके चंदे के पैसे से खेसारी ऐस कर सकता है, तो अगर उनके लिए कुछ करता है तो उन पर एहसान नहीं कर रहा है, और इसलिए मैं रो पड़ा, क्योंकि मेरी गरीबी से ही पहचान बनी है और मैं लिट्टी चोखा बेचता रहा, मैं भैंस चराता रहा, हर वो चीज़ करता रहा, मैं अपनी जो मेरी रियल ज़िंदगी थी मैंने कभी किसी से छुपाया नहीं, हर इंटरव्यू में मैंने इसको बोला जब मैं था क्या, कि ताकि मेरी पहचान आप सबको पता चले कि हाँ भाई एक गरीब परिवार से ये लड़का गया है और जिसको चुनकर भेजने वाली हमारी पब्लिक है जो मुझे बहुत प्यार करती है और आजीवन ऐसे ही प्यार करेगी, और जो मेरी होगी प्यार की जीत जो फिल्म रिलीज हो रही है इसमें सबको देखने को मिलेगा जो पब्लिक मुझे कितना प्यार करती है, जो कि दशहरा में रिलीज है, तो आप सबका प्यार मुझे मिलेगा ये मेरा आशा नहीं विश्वास है, और आप सब ऐसे ही प्यार करते रहिए। और जहाँ तक काजल अगवानी जी की सवाल है, एक हम लोग मूवी किए हैं मेहंदी लगा के रखना, मैं अभी तक इनको एक आर्टिस्ट मानता था लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस मैं तब जाना जब ये मेहंदी लगा कर रखना इन्होंने किया। तो पहले हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे, काम करते थे और ये अपने घर में अपने घर, आज भी वैसा ही होता है, अपने घर हम अपने घर, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए हम लोग जब साथ में बैठते हैं तो कितनी सारी चीज़ें की क्रिएशन करते हैं हम लोग, एक दूसरे को सीन पढ़ के ये मुझे बताती हैं, जितना मैं जानता हूँ मैं इनको बताता हूँ, तो एक दूसरे को कॉपरेट करके हम लोग जो काम करते हैं आज के डेट में, गुड एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस और आज के डेट में सबसे हॉट, आज हर यूट्यूब के किंग है ये, आज यूट्यूब पे इतना व्यूवर्स इनका है, इतनी इंडिया से बाहर भी इतने लोग इनको लाइक किए हैं,
तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि आज हिंदी हीरोइन के लेवलों के जिस तरह लाइक आते हैं उस तरह काजल लगवानी की भोजपुरी की हीरोइन का आता है, तो हमारे लिए गर्व की बात है जो हमारा भोजपुरी कहीं किसी से कम नहीं है और ना ही हो सकता है। और इस फिल्म में जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं दुल्हन गंगा पार के, उस फिल्म में मेरी बहन, मेरी छोटी सी गुड़िया है जिसका नाम है प्रियंका सिंह, जिसने इसमें करीब करीब 5 से 6 गाने गाए हैं और मुझे राखी बांधती है। तो मुझे लगता है जहाँ मैं, हो सकता है जब हम एक माँ बाप से पैदा नहीं हुए तो क्या है, लेकिन हमारा एक रिश्ता जो है वो आजीवन, जब तक मैं रहूँगा मेरी ये बहन बन के रहेगी और ऐसे ही अपने बहन के साथ मैं गाना गाते रहूँगा। और ऐसे ही पब्लिक जिस तरह इसने आज गायकी में जो अपना नाम किया है, मेरा आशीर्वाद है इस मेरे बहन के साथ और आजीवन रहेगा। और ऐसे ही आप लोग मेरे बहन को भी प्यार करते रहिए और इसको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।